सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स विथ ऑनियंस एंड कोकोनट्स के बारे में। मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितना किस किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन लगे और ये किस प्रकार काम करता है, उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसको कितने दिनों के इस्तेमाल किया जाता है और मामाअर्थ शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद कितने टाइम के बाद ये कंडीशनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं मामाअर्थ ऑनियंस कंडीशनर, जो कि हमारे पास 250 ml का बॉटल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 349 यानी कि 349 रुपये के करीब इसकी MRP है। मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स को अंसा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेस कंपनी है। मामाअर्थ कंडीशनर्स ऑनियंस के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है एक्वा सिट्राइल एल्कोस कैप्रिलिक्स ट्राइग्लिसराइड्स इमल्सिफाइड वैक्स कोकोनट ऑयल्स स्वीट आलमंड ऑयल्स ऑनियन सीड ऑयल्स डाइसोडियम EDTA तो ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल हेयरफॉल को कंट्रोल करता है, यानी कि सरल भाषा में बताएं तो अगर आपकी एज 25 से 30 साल के बीच में है और आपके बाल कुछ ज़्यादा गिरते हैं या फिर आपके नहाते वक्त आपके बाल कुछ ज़्यादा गिरते हैं या फिर आपको एलोपेशिया वगैरह है, यानी कि आपके एक साइड के कुछ बाल कुछ ज़्यादा गिरते हैं या फिर आपके कुछ डैमेज हेयर हो गए या फिर ड्राई हेयर हो गए या फिर आपके सिर में कुछ डेंड्रफ टाइप हो गए, तो उसको ठीक करने के लिए मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स के अंदर जो ऑनियन रहता है वो स्टेबलाइज करता है स्कैल्प को और प्रमोटिंग करता है ब्लड सर्कुलेशन को और हेयर को रीग्रोथ करता है, और कोकोनट ऑयल होता है जो कि स्ट्रेन करता है हेयर फोरम्स और रूट को और हेल्प करता है प्रोवाइड्स करता है न्यूरिशमेंट्स करता है हेयर्स को और मेंटेन करता है सॉफ्ट एंड स्मूथ हेयर को, यानी कि मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपका हेयर फॉल्स वगैरह हो रहा है यानी कि आपको बाल वगैरह बहुत झड़ रहे हैं तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है। तो मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स को आप शैम्पू यूज़ करने के बाद उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप 2 से 3 मिनट अपने सिर पर रखें, बाद में इसको वॉश कर सकते हैं आप। मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड से ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल रहता है, यानी कि इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, यानी कि ये ऑल स्किन सूटेबल रहता है। मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई डी है वहाँ पर बताएं। मामाअर्थ ऑनियन कंडीशनर्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था।